सबको जय यीशु, जय यीशु मसीह में। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार आज इस संध्या समय मैं आप सबका प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए आज की इस शाम की प्रार्थना में आप सबका स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और मेरी बहन, आप सबका स्वागत है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रतिदिन प्रभु हमें यह सौभाग्य प्रदान करता है कि हम कुछ पल कुछ क्षण प्रभु के साथ बिताते हुए, प्रभु की आवाज़ को सुनते हुए, उनकी आराधना और स्तुति करते हुए उनके साथ आनंद मनाएं, उनके साथ एक हो जाएं। प्रभु का वचन हमें बताता है, जब तक पिता किसी को अपनी ओर आकर्षित ना करे तब तक कोई भी उसके पास आ नहीं सकता। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें जिसने हमें और आप सबको चुना है। हम उसकी चुनी हुई प्रजा हैं। हम कोई ऐसे मामूली इंसान नहीं हैं। हम प्रभु के बच्चे हैं। हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। हम उसके बच्चे हैं और वो हमसे प्यार करता है। इसीलिए वो हमें प्रतिदिन ये कृपा और ये आशीष देता है कि हम उनके साथ कुछ समय कुछ पल बिताएं। कितने लोग दुनिया में इधर उधर ऐसे ही समय को बर्बाद करते हुए घूमते फिरते रहते हैं। प्रभु को जानते तो हैं, ये तो जानते हैं कि यीशु नाम का कोई व्यक्ति है, यीशु नाम का कोई ईश्वर है, लेकिन उनको प्यार नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, उनको समय नहीं देते और उनके साथ अपना रिश्ता नहीं जोड़ते। लेकिन मैं और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु ने ये अनुग्रह और कृपा आपको और मुझे प्रदान किया। तो आइए हम उस प्रभु को धन्यवाद दें, हम उस प्रभु की महिमा करें, आराधना करें, तारीफ करें, जय जयकार करें जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, जिसने हमें अच्छा स्वरूप दिया। वचन बताता है प्रभु ने, ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप बनाया, अपने समान बनाया। ओ प्रभु कितना अच्छा है। हम उस प्रभु को धन्यवाद दें जिसने हमें सुबह से अब तक संभाला, बहुत सारी दिक्कतों से समस्याओं से बचाया। कितने लोग थे जो आज की शाम को नहीं देख पाए, लेकिन हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि ये शाम हम देख पाए हैं, आज का दिन हम देख पाए। अपने कार्यों में व्यस्त रहे लेकिन फिर भी प्रभु ने पूरे दिन संभाला। तो आइए कुछ पल कुछ क्षण हम प्रभु के साथ बिताएं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और आपके द्वारा भेजे हुए निवेदन और प्रार्थनाओं को चढ़ाते हुए समर्पित करते हुए मैं प्रार्थना करूंगा। आप भी एक दूसरे के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जिन्होंने आपसे कोई प्रार्थना निवेदन मांगा है, प्रार्थना करने का निवेदन दिया है, उन सब के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु में हम और गहरे होते जाएं, प्रभु में हम और बढ़ते जाएं और नज़दीकी से गहराई से हम प्रभु को जानें। हम बहुत सारी बातों के लिए चिंतित रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे बातों में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रभु के वचन को जानना चाहते हैं, प्रभु के वचन की गहराई में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु में गहरे होना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हर एक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करे और प्रभु के वचन में, अभिषेक में, आत्मा में आपको और मुझे और गहरा बनाए और अधिक हम प्रभु को जान पाएं। तो आइए हम गीत को गाएंगे, तालियां बजाते हुए स्तुति करते हुए प्रभु की महिमा करेंगे और प्रभु का वचन सुनते हुए प्रार्थना करेंगे। जिन में यहोवा का रूह बसता उनके आगे कोई दुश्मन न टिकता, जिनके दिलों में बसता यहोवा, जिनके दिलों में बसता यहोवा, ओ जग कभी नहीं हारते,
जग कभी नहीं हारते, ओ जग कभी नहीं हारते। तालियों को बजाते हुए चाहे ले आए साथ
लखो लखो रत हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ मेरी चाहे ले आए साथ लखो लख रत हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ मेरी चाहे ले आए साथ लखो लखो रत हिल जाते देख के यहोवा का जलाली हाथ हाथ जिनका पकड़े जिनका पकड़ यहोवा वो जंग कभी नहीं हारते 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 जंग जिनकी लड़ता यहोवा जंग जिनकी लड़ता यहोवा आगे आगे चलता यहोवा जंग जिनकी लड़ता यहोवा जंग जिनकी लड़ता यहोवा जिनके आगे आगे चलता यहोवा जिनके आगे आगे चलता यहोवा लड़ता यहोवा जिनके आगे आगे चलता यहोवा जिनके आगे आगे चलता यहोवा वो जंग कभी नहीं हारते वो जंग कभी नहीं हारते वो जंग कभी नहीं हारते जंग कभी नहीं हारते वो जंग कभी नहीं हारते जिनकी लड़ता यहोवा जिनके आगे आगे चलता यहोवा जिनके आगे आगे चलता यहोवा जिनके आगे आगे चलता यहोवा वो जंग कभी नहीं हारते वो जंग कभी नहीं हारते।
जिनकी करता यहोवा, जिनके दिलों में बसता 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 यहोवा, जिनके घरों में बसता यहोवा, जिनके घरों में बसता यहोवा,
ने नम की उसने शांति बनाई। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए ऊंची आवाज में स्तुति करें। हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। वो यहोवा है जो सागर के ऊपर मंडरा है आत्मा, वो यहोवा है जो धरती को जिसने अब तक संभाले रखा, वो यहोवा ईश्वर है। हम उस ईश्वर की आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया।
पकड़ाए आत्मा, जो धरती को अब तक चलाए आत्मा, वो यहोवा 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 है। मिलकर कहेंगे Oh,
सांत्वना देता, तसल्ली देता, हमारे बैरियों के सामने हमें जीत दिलाता है वो यहोवा है, जो हमारे आगे आगे चलता है वो यहोवा है, जो हमारी जंग लड़ता है वो यहोवा है। वो स्वयं कहता है, यहोवा तुम्हारी ओर से खुद युद्ध लड़ेगा, तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं होगी। वो यहोवा है, जिनके दिलों में बसता है वो यहोवा है, जिनके आगे आगे चलता वो यहोवा है। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय आंखें बंद रखें, पूरा ध्यान प्रभु में लगाएं और प्रार्थना करते जाएं, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी भी जंग को तो लड़ना, मेरी जिंदगी की जंग में हार ना जाऊं, मेरी जंग को तू लड़ना। जिनके दिलों में बसता यहोवा वो जंग नहीं हारते। यदि आपके साथ आपका ईश्वर खड़ा है तो वो आपको हारने नहीं देगा, चाहे विपत्ति, चाहे दुख, चाहे संकट, चाहे बीमारी कितनी भी मजबूत बनकर आपके सामने खड़ी हो जाए, लेकिन वो आपको हारने नहीं देगा और उसके सामने कोई भी दुश्मन और बैरी की चाल नहीं टिकती। मेरे भाई मेरी बहन, हमने गीत में गाया, चिंता चाहे घेर ले मेरे मंसूबों को, दुख चाहे घेर ले मेरे जंगजूहों को, लेकिन मदद जिनकी करता यहोवा वो जंग नहीं हारते। जब ईश्वर यहोवा पिता आपकी जंग लड़ेगा, आपके लिए खड़ा होगा, तो आपके विरुद्ध कोई और शक्ति, कोई ताकत खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपके लिए लड़ेगा। बैरी भले ही आपके जीवन में दुख ले आए, संकट ले आए, कष्ट ले आए, दुख ले आए, बीमारी ले आए, कर्ज ले आए, चिंता ले आए, लेकिन ईश्वर का जलाली हाथ जब आपको पकड़ेगा, आपको थामेगा, सारी नींवें अंधकार की शक्तियों की हिल उठेंगी। मेरे भाई मेरी बहन, यहोवा के दीवानों को कौन ललकार सकता है? ईश्वर के लोगों के विरुद्ध कौन खड़ा हो सकता है? जैसे पौलुस कहता है, कौन हमें मसीह के प्रेम से वंचित करता कर सकता है? क्या दुख, क्या कष्ट, क्या पीड़ा, क्या बीमारी? कुछ भी नहीं। ऐसे ही मेरे भाई और मेरे बहन, जो आप ईश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, आपके विरुद्ध कोई खड़ा नहीं हो सकता, कौन आपको ललकार सकता है? यदि किसी ने जरूरत भी की तो वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि आपका जोर बनकर खड़ा होगा आपका पिता, आपका ईश्वर, आपका यहोवा। मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना करें, प्रभु से कहें, प्रभु मेरी भी ताकत, मेरा भी बल, मेरा भी गढ़, मेरी भी चट्टान तू ही है, तू मेरे साथ खड़े रहना। प्रभु संकट के समय में मेरे साथ रहना। वचन बताता है, संकट के समय मैंने ईश्वर की दुहाई दी, मैंने उसे पुकारा और ईश्वर ने मेरी पुकार को सुना। जब आप संकट में हैं, कष्ट में हैं, अपने ईश्वर को पुकारिए, वो आपकी पुकार को सुनेगा और आपको उस कष्ट से, संकट से आपको बाहर निकालेगा। प्रेमी पिता, इस समय मेरे भाई मेरी बहन जो प्रार्थना कर रहे हैं, अब्बा प्रभु इस समय मेरे इन भाई और बहनों को छूने की कृपा कर, प्रभु एक एक को स्पर्श कर, तेरे आत्मा के, तेरे सामर्थ से, अभिषेक से भर दे प्रभु, इनके जीवन में तेरा अद्भुत कार्य कर प्रभु, इन्हें बुराई के ग्रत से, पाप के ग्रत से बाहर निकाल, तमाम प्रकार की उलझनों में जो फंसे हैं प्रभु, उन उलझनों से इन्हें तू निकाल, इनके मनों में, इनके हृदयों में जो प्रार्थनाएं हैं, निवेदन है प्रभु तू जानता है, एक एक की प्रार्थना को स्वीकार कर प्रभु। प्रभु आज हम विशेष कर इस प्रार्थना को समर्पित करते हुए, इस निवेदनों को समर्पित करते हुए प्रभु, विशेष कर आज हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम दंपतियों के लिए
उन तमाम बहनों के लिए जिनके पास संतान नहीं है प्रभु, उन तमाम परिवारों के लिए जिन परिवारों में प्रभु कोई संतान नहीं है प्रभु, एक एक को तेरी सामर्थ्य दे, तेरा स्पर्श दे प्रभु। सारे बंद गर्भ यीशु प्रभु तेरे पवित्र और सामर्थी नाम पर खुल जाए। प्रेमी पिता तूने कहा है मैं वो प्रभु हूं जो प्रतिवारी प्रार्थना को सुनता हूं। हे प्रभु इस समय मैं उन संतान लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिनके पास संतान नहीं है प्रभु। शादी को लंबा समय हो चुका है, 20 साल, 10 साल, 12 साल, 5 साल प्रभु संतान के लिए तरस रहे हैं। तूने इब्राहिम से कहा मैं तेरी संतति को इतना बड़ा दूंगा तारों के समान, बालू के कणों के समान, जिनकी तू गिनती नहीं कर पाएगा प्रभु। जैने जैसे तूने एलकाइना को जो विधवा जो निसंतान थी प्रभु बांझती, तूने उसे संतान का वरदान दिया, ऐसे ही प्रभु इस समय जो मेरी बहनें प्रार्थना कर रही हैं और आपसे संतान मांग रही हैं और जिन्होंने संतान के लिए प्रार्थना करने का निवेदन दिया है प्रभु, तूने आशीर्वाद दे प्रभु। जितने लोग तेरे पास आते हैं तूने नहीं छोड़ता, जो तुझसे मांगा जाता है तू देता है। तूने कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। इस समय मैं मांगता हूं प्रभु मेरे इन बहनों के लिए, इन परिवारों के लिए संतान का वरदान प्रभु। आज तक तुझसे जो मांगा तूने कभी ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होने दिया कि जो तूने ना दिया प्रभु। जो हमने नहीं भी मांगा तूने वो भी दिया। तूने अपने वचन में कहा जिसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा उसे भी हमारे लिए दे दिया, उसे भी हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो ऐसा क्या है जो वो तुम्हें नहीं देगा। जी हाँ प्रभु मैं जानता हूं कि तू सब कुछ देने वाला है, मांगने वालों को देता है प्रभु। मैं इस समय उन परिवारों के लिए संतान मांगता हूं जिनके परिवारों में संतान नहीं है प्रभु। एक एक को छू और स्पर्श कर, जिनके पास बेटे हैं प्रभु लेकिन बेटियां नहीं हैं उन्हें तू बेटी का वरदान दे। जिनके पास सिर्फ बेटियां हैं और बेटे की तलाश में हैं, मांग रहे हैं प्रभु उन्हें तू दे, क्योंकि तू स्वयं कहता है यहोवा ईश्वर तुम्हें मुंह मांगा वरदान दे। ओ प्रभु तू इन्हें मुंह मांगा वरदान दे। तूने कहा है तुम अपना मुंह पूरा पूरा खोलो मैं उसे भर दूंगा। आमीन। ओ प्रभु इस समय जो अपना मुंह खोल रहे हैं तेरे लिए मांग रहे हैं, ओ प्रभु तुझसे मांग रहे हैं, तो उनके मुंह को भर दे आशीर्वाद से। प्रेमी पिता तूने कहा है जैसे तुमने विश्वास किया वैसे तुम्हारे साथ हो जाए। प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि जितने तेरे पास आते हैं तूने निराश नहीं होने देता, तूने छोड़ता नहीं। तूने कहा निराश तो वो लोग होते हैं जो अकारण बिना कारण तुझे छोड़ देते हैं। प्रभु तू निराश नहीं होने देगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं इस समय मेरे इन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो नौकरी की तलाश में है, परिवारों में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कोई काम नहीं है प्रभु। मैं तुझसे दो प्रार्थनाएं आज के दिन विशेष मन्नत मांगता हूँ, प्रार्थना मांगता हूँ मेरे इन भाइयों को और बहनों के लिए, इन परिवारों के लिए प्रभु। तू नौकरी का वरदान भी दे, नौकरी की आशीष दे। जिन्होंने सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है, एग्जाम लिखा है प्रभु उन्हें उसमें सफलता दे प्रभु। जिन्होंने एग्जाम लिखा है वो एग्जाम में पास हो जाएं, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है प्रभु वो इंटरव्यू में पास हो जाएं प्रभु। ने नौकरी दे, हर एक परिवार में एक अच्छा रोजगार दे जिससे कि प्रभु वो अपने परिवारों को चला सके, अपनी जीविका को चला सके। ओ प्रेमी पिता तो इनमें से किसी एक को भी खाली हाथ ना जाने देना प्रभु, एक को भी निराश होकर के ना जाने देना प्रभु। हम वचन में पढ़ते हैं लोग तेरे पास आंसू बहाते हुए रोते हुए और निराश होते हुए तो आए, लेकिन कोई भी खाली हाथ नहीं गया, कोई भी रोते हुए नहीं गया।
कोई भी दिल को तोड़ते हुए नहीं गया, बल्कि उत्साह और खुशी के साथ झोलियां भर करके गए। आज मेरे इन भाई और बहनों की झोलियों को तू भर दे, जिन्होंने अपने झोलियों को तेरे सामने फैला रखा है, जिन्होंने अपने दामन को तेरे सामने फैला रखा है, भर दे प्रभु, भर दे यीशु, भर दे यीशु। प्रेमी पिता, तू हमारे साथ है, जब तू हमारे लिए लड़ेगा तो कौन हमारे विरुद्ध खड़ा होगा? किसी की मजाल और औकात नहीं है प्रभु कि कोई तेरे सामने खड़ा हो सके। प्रेमी पिता, तू हमारे बीच में है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी महान पवित्र उपस्थिति के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। इस समय जो मैंने प्रार्थना की है प्रभु, उस प्रार्थना को तूने सुन लिया, तूने आशीर्वाद दिया, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू जीसस। प्रेमी पिता, मैं सारी महिमा सारा आदर आपको देता हूँ और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु के नाम पर मांगता हूँ। एक साथ बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु की पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद दें प्रभु को। प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हमें आशीष दी, प्रभु को धन्यवाद। प्रभु का वचन, प्रभु का संदेश आज आपके लिए यही है, जिनके आगे आगे चलता यहोवा वो जंग कभी नहीं हारते। जब ईश्वर आपके साथ है तो आप कभी हार नहीं पाओगे। जिनके हाथ को वो पकड़ता है, जिनका हाथ पकड़ के वो चलाता है, वो कभी नहीं हारते हैं। कौन हमारे विरुद्ध में खड़ा हो सकता है? कोई नहीं, क्योंकि हमारा जोर हमारा ईश्वर है। तो और मेरे प्रिय भाई और बहन, चाहे बैरी हमारा शत्रु शैतान हमारे जीवन में भले ही कितनी ही चिंताएं, कितने ही दुख, कितने ही कष्ट क्यों ना ले आए, लेकिन जब हमारी मदद ईश्वर करेगा, यहोवा करेगा, तो वो हार जाएगा, और वो हारा हुआ है। प्रभु को धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ इस समय इस प्रार्थना में जुड़ने के लिए, प्रार्थना में भाग लेने के लिए। आप सबको धन्यवाद हमका प्यार देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, और इस प्रार्थना को लोगों तक शेयर करने के लिए, पहुँचाने के लिए धन्यवाद आप सबको। और प्रिय भाई और बहनों, प्रतिदिन ये प्रार्थना हमारे YouTube चैनल पैट्रिक म्यूजिक ऑफिशियल में, ये प्रार्थना हर रोज रात 8:30 बजे आती है। आप इस प्रार्थना में जुड़ जाएं और अपने रिश्तेदार, अपने सगे संबंधियों को भी जोड़ें और उन लोगों के लिए प्रार्थना करें और उन लोगों के पास प्रार्थना भेजें जिनके लिए कोई प्रार्थना करने वाला नहीं है, कष्ट में है, पीड़ा में है, दुख में है, बीमारी में है, और जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, आप उन सबको ये प्रार्थना भेजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रभु उसके नज़दीक आए और प्रभु से जुड़ जाएँ, प्रभु का वचन उन्हें मिल जाए। प्रिय प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने के लिए आप कृपया साथ दीजिए, मदद कीजिए। और आप में से जो लोग नए हैं, आप भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दें। पहले हम सबके चैनल में रेड कलर से लिखा आता था सब्सक्राइब, लेकिन अभी ब्लैक कलर से आता है, तो कृपया ध्यान रखें, बैक ब्लैक कलर से लिखा है सब्सक्राइब, आप उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, और छोटी सी बे घंटी बन के आएगी, उस पर क्लिक करें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आपको प्रतिदिन की प्रार्थना का नोटिफिकेशन मिल जाए। कई लोग बोलते हैं फ़ोन करके, भैया आज आपने हमारे व्हाट्सएप में प्रार्थना नहीं भेजी। देखिए, जब हम लोग फ्री होते हैं तो भेज देते हैं, लेकिन फ्री नहीं हो पाते तो नहीं भेज पाते। इससे अच्छा यही है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपको प्रार्थना मिल जाएगी। 8 बजे लिंक सबके पास पहुंच जाता है, और 8:30 बजे उस लिंक को क्लिक करके प्रार्थना में जुड़ जाइए। और प्रिय भाई और बहनों, आप में से जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं, गवाही भेजना चाहते हैं कि आप प्रभु का साक्ष्य बने और हम आपके लिए प्रार्थना करें, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे जो लाइन चल के आती है आपको वहाँ मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा,
और यदि आप लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं, नंबर है 8279997397। प्रिय भाई और बहनों, इस नंबर पे आप मैसेज करके फोन करके अपना प्रार्थना निवेदन गवाही भेज सकते हैं। और आप में से जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आप इसी नंबर में फ़ोन कर लीजिए, एक ही नंबर है। और कल फिर हम प्रार्थना में जुड़ेंगे 8:30 बजे, और प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करें। गॉड ब्लेस यू।